हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉप बनाएंगे। मेजरमेंट है, देख लीजिए, लेंथ है 26, घेर है 44, 4 से हमने डिवाइड किया है तो 11 है। 11 में 1 इंच प्लस करेंगे। कमर है 36, चेस्ट है 38, 38 को भी हमने 4 से डिवाइड किया है तो 9.5 है। तीरा है 14 इंच। निशान लगाएंगे कुर्ती पे। सबसे पहले हम घेर की चौड़ाई लेंगे 12 इंच। 12 इंच के जितना ही हम कपड़ा फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको साइड में रहने देंगे। निशान लगा लेंगे 12 इंच पे। लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी है 26 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे, 27 इंच हम लेंथ लेंगे। तीरा है हमारा 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच हम तीरा लेंगे। मुड्डा हमारा है 7.5 इंच, 7.5 इंच मुड्डा है। तीरे को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, 14 था तो 7 है, मुड्डा हमारा 7.5 है। ऊपर नीचे सेम लेंगे 7 7, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, टेढ़ा निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पे। चेस्ट, चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। कमर 7 इंच पे लेंगे। लंबाई 7 इंच, चौड़ाई 9 इंच, सेम 1 इंच प्लस करेंगे। स्केल की सहायता से सीधा ड्रॉ करेंगे, निशान से निशान मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। अंदर का निशान हमारा फिटिंग का निशान है, बाहर वाला निशान हमारा कटिंग वाला निशान है। हमने जो निशान लगाया था उसको चौक की सहायता से चेस्ट के निशान में मिला देंगे और ऊपर मिला देंगे। इससे हमारे मुड्डे की गोलाई अच्छे से हो जाएगी। कंधी को ऊपर से 1/2 इंच डाउन करेंगे। घेर को 1.5 इंच की गोलाई देंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। स्केल की सहायता से निशान लगा के गोलाई दे देंगे। 1.5 इंच का निशान लगाया था हमने घेर की गोलाई करने के लिए। कटिंग करेंगे। हमारे जो निशान लगे हैं उन पे ही हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। जो हमने बैक साइड है ये हमारी कमर का जो निशान लगाया था, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। प्लीट्स पीछे हम प्लीट्स डालेंगे 3.5 3 4 इंच, 7 इंच टोटल लंबाई है। फिटिंग के निशान को पक्के कर लेंगे, स्लिट पीछे प्लीट के निशान को भी पक्का कर देंगे। बैक साइड लेंगे, नेक ड्रॉ करेंगे, नेक की लंबाई है 2.5 इंच, 1/2 इंच प्लस करेंगे, 3 इंच लेंगे। चौड़ाई लेंगे 4 इंच चौड़ाई लेंगे, स्क्वायर में ड्रॉ कर देंगे, 1 इंच का निशान लगा के गोलाई बना देंगे अच्छे से। ये हमारा फ्रंट पीस है कुर्ती का, टॉप का। मुड्ढे की फिटिंग देंगे। मुड्ढे की जो आगे की छटाई होती है वो हमने 1/2 इंच की है। नेक का निशान लगाएंगे, नेक की लंबाई हमारी 5 है, चौड़ाई 4 इंच है। स्क्वायर में ड्रॉ करके 1/2 इंच हम ऐसे निशान लगा लेंगे, 1 इंच, और गोलाई में ड्रॉ करेंगे, कटिंग कर देंगे। हमने मुड्ढे की जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे भी हम कटिंग कर देंगे। हम बटन पट्टी बनाएंगे कुर्ती पे, उसके लिए हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे।
बटन पट्टी बना रहे हैं हम टॉप में, हाफ इंच का ये निशान लगा लेंगे। 8 इंच पे हमने वो निशान लगाया था लंबाई, चौड़ाई हाफ इंच लेंगे, कटिंग कर देंगे टेढ़ा निशान लगा के, ऐसे भी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारा हो गया है, देखिए नेक। स्लीव्स कट करेंगे, ऊपर से पहले एक निशान लगाएंगे स्ट्रेट, उसके बाद हम जहां पे भी हमारा 7 इंच आएगा वहां पे एक निशान लगा लेंगे, 7 इंच, 7 इंच से नीचे 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। 3 इंच का एक निशान लगाया है हमने, ऊपर 7 इंच नीचे 3 इंच, कटिंग कर देंगे। स्केल की सहायता से इस निशान को भी पक्का कर देंगे। 7.5 पे निशान लगाएंगे मुड्ढे का, हमने चेस्ट को 5 से डिवाइड किया है तो 7 पॉइंट आता है, 1 इंच उसमें प्लस करेंगे। लंबाई लेंगे 13 इंच, अंदर की तरफ से लेंगे 12 इंच, गोलाई कर देंगे, अंदर की तरफ से 12 है, बाहर की तरफ से 13 है, गोलाई करके कट कर देंगे। ये हमारी बटरफ्लाई अम्ब्रेला स्लीव्स हैं। जॉइंट लगाएंगे बाजू में बचे हुए कपड़े से, हमने 1.5 मीटर में ये टॉप बनाया है। 3.5 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2.5 पे निशान लगाएंगे, दोनों निशानों को मिला देंगे स्केल की सहायता से, कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देंगे। 7.5 इंच पे निशान लगाया था हमने, 1 इंच आगे निशान लगाया था, एक्स्ट्रा जो गोलाई थोड़ी सी और कर देंगे हम टॉप की, सॉरी स्लीव्स की। फ्रंट वाले 2 पीस लेंगे, उन पे गोलाई का 1/2 इंच का निशान लगाएंगे आगे वाले फ्रंट के पल्ले का। बाजू हमारी कट के रेडी हो गई है। हम बटन पट्टी के लिए हम कैन लेंगे, 1/2 इंच है चौड़ा होने के, चौड़ा गला करने के खोलने के बाद में ये पूरा 1 इंच होगा, तो 1 इंच की हम कैन लेंगे। लंबाई 9 इंच लेंगे, चौड़ाई 1 इंच लेंगे, 1 इंच चौड़ाई लेंगे, नौ इंच हमने लंबाई ली है, 1 इंच हमने चौड़ाई ली है, कटिंग कर देंगे। प्रेस की सहायता से दोनों पट्टी को जोड़ देंगे, कैन की जो हमारी 1 इंच की पट्टी है उसको जोड़ देंगे, सॉरी प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस कर लेंगे, देखिए प्रेस होके हमारी बटन पट्टी रेडी हो गई है। फ्रंट नेक लेंगे, फ्रंट नेक पे बटन पट्टी जॉइंट करेंगे, हमारी जो कैन है वो ऊपर की साइड आएगी और जो हमारा फैब्रिक है वो अंदर की साइड जॉइंट होगा। ज्वाइंट करेंगे, बटन पट्टी हमारी ऊपर की तरफ आएगी, ध्यान रहे।
जहाँ पे नीचे हमने कट लगाया था सिर्फ वहीं तक हम मशीन लगाएंगे। सीधा करेंगे, अंदर की तरफ फैब्रिक को करेंगे और बटन पट्टी को मशीन लगाएंगे ऊपर से। अच्छे से मशीन लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम बटन पट्टी लगा देंगे। नीचे फैब्रिक आएगा हमारा और ऊपर हमारी बटन पट्टी आएगी, फोल्ड होके ऊपर की तरफ हमारी बटन पट्टी आएगी। मशीन लगा लेंगे। हाफ इंच की हमने सिलाई लगाई है हाफ इंच पे, जहां पे हमने निशान लगाया था उससे आगे हम नहीं जाएंगे। फैब्रिक अंदर करते हुए बटन पट्टी पे मशीन लगाएंगे। अभी नहीं मोड़ेंगे, अभी पहले स्ट्रेट मशीन लगा लेंगे अच्छे से। मशीन हमारी लग के रेडी हो गई है। राइट हैंड साइड हमारी ऊपर की तरफ आएगी पट्टी वाली और लेफ्ट हैंड साइड हमारी नीचे जाएगी। अच्छे से फैब्रिक को अंदर करते हुए यहाँ पे मशीन चला लेंगे। मशीन से हम मशीन लगा देंगे ऊपर, ऊपर हम पिनअप करेंगे और नीचे हम मशीन चला लेंगे। थोड़ी सी क्लिप मेरे से सॉरी डिलीट हो गई है, जो मैंने मशीन लगाई थी वो वाली, तो आप नीचे मशीन लगा लेंगे अच्छे से। मशीन हमारी लग गई है नेक पे, अभी हम स्लीव्स जोड़ रहे हैं। दोनों फैब्रिक को बराबर बराबर रखते हुए अच्छे से मशीन लगा लेंगे। स्लीव्स हमारी ऊपर की तरफ है और हमारी मुड्डा हमारा टॉप का मुड्डा हमारा नीचे की तरफ है मुड्डे का फैब्रिक। दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही मशीन लगा लेंगे। अभी हम हमारी स्लीव्स के घेर पे मशीन लगाएंगे, सिंगल फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड करके हम फैब्रिक पे मशीन लगाएंगे। सिंगल फोल्ड किया है मैंने, लगा ली है मशीन। अभी हम डबल फोल्ड करेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है कुर्ती की। आप कुर्ती में या जिसमें भी अम्ब्रेला जब भी आप बना रहे हो तो ऐसे ही मशीन लगाइए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। कहीं भी हमारी कुर्ती में या हमारी स्लीव्स में चुन्नट नहीं आती कहीं पर भी। स्लीव्स पे हमारी मशीन लग गई है, देखिए कहीं भी बाजू में चुन्नट नहीं है, अच्छे से मशीन लग गई है। दूसरी स्लीव्स पे भी हम सेम ऐसे ही मशीन लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स पे हमारी मशीन लग गई है। अभी हमने बैक साइड में जो प्लीट्स डाली हैं उन पे ही हम मशीन लगाएंगे। प्लीट्स पे हम मशीन लगा लेंगे। अभी फिटिंग का निशान मशीन लगा रहे हैं हम फिटिंग की। अच्छे से दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए फिटिंग का जो हमने पहले निशान लगाया था उसी निशान पे हम सेम मशीन लगाएंगे।
दूसरी साइड भी हम फिटिंग का की मशीन लगा लेंगे, जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान लगा है वहीं पे हम फिटिंग की मशीन लगाएंगे। हमारी कुर्ती की हमने फिटिंग की मशीन लगा ली है, अभी हम घेर पे मशीन लगाएंगे। सिंगल फोल्ड करेंगे, सबसे पहले सिंगल फोल्ड करके पूरे घेर पे मशीन लगा लेंगे। अभी हम डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके अभी हम फाइनल मशीन लगा लेंगे घेर पे। हमारी नीचे घेर पे मशीन लग के रेडी हो गई है, अभी हम नेक रेडी करेंगे। नेक पे मैंने ऊपर डिजाइन लगाने के लिए मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हो आपकी मैचिंग के हिसाब से। 2 इंच की पट्टी कट करेंगे, 2 इंच की पट्टी की चौड़ाई लेंगे, कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम एक दो पट्टी और कट कर लेंगे। पट्टी हमारी कट गई है, डबल फोल्ड करके पट्टी को पट्टी के ऊपर सिंगल मशीन चलाएंगे। पट्टी पे हम चुन्नट डालेंगे, जैसे कि हम सलवार में डालते हैं प्लीट्स डालेंगे, छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स बराबर होनी चाहिए, हाफ हाफ इंच की हो या फिर 1 इंच की हो, बट छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, सभी प्लीट्स बराबर होनी चाहिए। देन ही जब आप गले पे लगाओगे उसको तो वो बहुत अच्छी लगेंगी लगने के बाद में। पूरी पट्टी पे हम ऐसे ही प्लेट्स लगा के हम मशीन लगा लेंगे। हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो गई है, अभी हम पट्टी को नेक पे अटैच करेंगे। नीचे हमने नेक लिया है, नेक की सीधी साइड है, ऊपर हमने पट्टी रखी है। हाफ इंच आधा इंच हम मशीन कपड़ा दबाते हुए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए मशीन लगाएंगे। कपड़े की जो नीचे का हमारा नेक है हमने बिल्कुल भी नहीं उसको खींचना है, कपड़े को पट्टी को थोड़ा सा हमने खींच के लगाना है, उससे अच्छी गोलाई आएगी आपके नेक की। पूरे नेक पे ऐसे ही मशीन लगा लेंगे। मशीन हमारी लग गई है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। एक उरेब पट्टी लेंगे, उसको हमने जो मशीन लगाई थी उसके ऊपर से लगाएंगे मशीन, ताकि हमारी जो चुन्नट है वो बाहर की तरफ ना दिखाई दे और हमारे गले में अच्छी फिनिशिंग आए। उरेब पट्टी मैंने ली है, पहले जो हमने मशीन लगाई थी सिर्फ उसी मशीन पे हम पट्टी लगा रहे हैं। पूरे नेक पे पट्टी लग गई है, अंदर की तरफ पट्टी के फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और एक मशीन लगा लेंगे। आप मशीन लगाने के बाद तुरपाई भी कर सकते हैं, मशीन भी लगा सकते हैं, मशीन भी अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, हेमिंग भी जिसको हम बोलते हैं। पूरे नेक पे ऐसे ही पट्टी को फोल्ड करते हुए मशीन लगा लेंगे अच्छे से।
पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और वापस अंदर की तरफ फोल्ड करके मशीन लगा लेंगे अच्छे से। हमारे नेक पे पट्टी लग गई है। लगने के बाद हमारा नेक ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए। अभी हम बटन लगाएंगे नेक पे। सबसे ऊपर एक निशान लगाएंगे, उसके बाद दो दो इंच पे निशान लगाएंगे, दो दो इंच पे लगाएंगे, टू टू इंच पे। ऊपर वाली बटन पट्टी पे भी सेम नीचे वाले निशान को मैचिंग करते हुए बराबर निशान लगा लेंगे। ऊपर की साइड हम नीचे की साइड हम बटन लगाएंगे, ऊपर की साइड हम काज करेंगे, नीचे वाले पल्ले पे हम बटन लगा लेंगे। बटन हमारे लग गए हैं। अभी हम ऊपर की बटन पट्टी पे काज करेंगे, अच्छे से निशानों को अच्छे से मैचिंग कर लेंगे और कटिंग करेंगे। ज़्यादा कट नहीं करेंगे, छोटा छोटा कट लगाएंगे क्योंकि हमारे बटन छोटे छोटे हैं। आप कोई भी मैचिंग बटन ले सकते हो अपनी कुर्ती के हिसाब से। आपको कोई भी समझ में नहीं आता है या कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। काज कर लेंगे। अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी कि काज कैसे करती हैं। काज हमारा बन गया है। ऐसे ही हम सभी जो हमारे नीचे जो काज है उनको भी कर लेंगे। देखिए हमारे सब काज बन गए हैं और अभी हम बटन डाल के आपको नेक दिखाएंगे अच्छे से। नेक हमारा रेडी हो गया है। बटन पट्टी नेक है हमारा, ये बहुत अच्छा लगता है। आप सूट पे भी बना सकते हैं, लॉन्ग कुर्ती पे भी बना सकते हैं, आप बच्चे की भी ड्रेस बना सकते हैं ऐसे वाली सेम टू सेम। देखिए हमारी बाजू है, नेक है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो आपको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।